सब्सक्राइब कीजिए आज क्या बनाओ चैनल को और दबाइए बेल आइकन जिससे कि आपको मिले लेटेस्ट रेसिपी के साथ साथ ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कुंदरू रेसिपी, इसे टिंडली भी कहते हैं। तो ये भरवा कुंदरू रेसिपी है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये भरवा कुंदरू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमने 250 ग्राम कुंदरू ले लिया है, अब इसको धुल लिया है और इसके किनारों को इस तरीके से काट देंगे थोड़ा थोड़ा, इससे ये प्रेजेंटेबल रहेगा, अच्छा दिखेगा। अब इसको आधे गहराई में चीरा लगाते हुए इन सब कुंदरुओं में चीरा लगा लेंगे और चीरा इतना ही लगाएंगे जिससे कि ये अलग ना हो, केवल आधी गहराई तक ही चीरा लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अब सारे कुंदरुओं में चीरा लगा लेंगे। सारे कुंदरू में ये चीरा लगा लिया है। इसके साथ साथ आपको कुछ खड़े मसाले चाहिए, यहाँ पर 2 चम्मच धनिया दाना, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच कलौंजी और 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें। इनको आपको धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, सूखा भुनना है। इसको आंच धीमी ही रखेंगे नहीं तो मसाले जल जाएंगे। मसालों की काफी अच्छी खुशबू आती है इससे। देखिए आपका ये मसाला जो है भुन चुका है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी इससे। अभी हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब डाल रहे हैं ये राई का पाउडर है। इसमें ये राई का पाउडर डाल करके फ्लेम बंद ही रखना है और अभी ये पैन गर्म है तब तक ये इसमें रोस्ट हो गया है, 1 मिनट के लिए कर लिया। अब ये ड्राई मसालों को हमने पाउडर बना लिया है और ये राई भी जो डाल दी है, इसके साथ साथ 1/2 छोटे चम्मच हींग डाल दिया है। ये 1/2 छोटे चम्मच काला नमक डाल दिया है, से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा कुंदरू में। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, ये थोड़े से हमारे पास अचार के मसाले हैं इसको भी डाल देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा कुंदरू में। और इसमें सरसों का तेल भी होता है, उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है कुंदरू। ये नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अलग रख लीजिए इसको अच्छे से। अब एक कुंदरू लीजिए, थोड़ी सी स्टफिंग लीजिए और इसमें इस तरीके से इसको भर दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अदरवाइज कुंदरू अलग अलग हो जाएंगे, फट जाएंगे। हल्का प्रेशर लगाते हुए अच्छे से इसको भर के इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसको भर के इसको रखते जाना है। इस तरीके से सारे कुंदरू जो है हम भर लेंगे। देखिए सारे कुंदरू स्टफ हो गए हैं। चलिए कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में ये तेल डाली हमने, यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। इसमें सरसों के तेल से काफी अच्छा स्वाद आएगा। इसके बाद कुंदरू को इस तरीके से इसमें लगा देना है। देखिए जब पर से थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डालेंगे,
ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पर इसको पका लेना है। टोटल नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालें। ये कुंदरू एक तरफ से जब हल्का पक जाए इसको पलट देना है आपको, और इसको दूसरी तरफ से भी पकाना है। देखिए पलट दिया है इसको, फिर से ढक देंगे, फिर से लगभग 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए फिर से इसको पलट देते हैं, चारों तरफ से इसको बराबर से सेक लेना है। ये भरवा कुंदरू, इसे टिंडली भी कहा जाता है। अब ये देखिए जो मसाले हमारे पास थोड़े से बचे थे इसको भी ऊपर से डाल देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर हो जाता है और कुंदरू काफ़ी अच्छा दिखता है। भरवा कुंदरू फिर से ढक देते हैं, 1 मिनट बाद फिर से देखते हैं कुंदरू। ये देखिए लगभग पूरी तरीके से पक चुका है, कुंदरू ये पक चुका है फ्रेंड्स। कुंदरू रेडी है, इस तरीके से बनाएंगे तो आप भी कुंदरू के फैन हो जाएंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, ट्राई ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।